हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर पढ़ लिया था और आज की क्लास हम कहाँ से शुरू करते हैं देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, लाइट नाम लिख देती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे कि हम लाइट पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में जो हम आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, टॉपिक हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा सारे बच्चे, अपन शुरू करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ये लॉज साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, पढ़े थे आप लोगों ने नाइन्थ में, वही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लॉज हैं जो हम दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, तो दो ही लॉज हैं सिर्फ, है ना, लॉज आपको सिर्फ दो ही पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ मैं बताने जा रही हूँ, और फर्स्ट लॉ बताने से पहले यहाँ पर हम वो प्लेन मिरर वाले रिफ्लेक्शन की इमेज एक बार बना लेते हैं साइड में। ये आपने प्लेन मिरर बनाया था, ये इसकी बैक सरफेस है, बार बार याद दिला रही हूँ मैं आपको, ये इसके सामने वाली सरफेस है। सामने वाली सरफेस का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये है इसकी पीछे वाली सरफेस जिसे आप क्या बोलते हैं, बैक सरफेस बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू रिफ्लेक्शन हमने करवाया था, और ये लाइट रे विच फॉल्स ऑन इट, इंसिडेंट रे नाम मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दिस सरफेस दिस लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। ओके, और ये हमने बनाया था इस पॉइंट पर नॉर्मल। तो ये जो लाइट रे है फर्स्ट वाली, इसका क्या नाम है, इसका नाम है इंसिडेंट रे, है ना, और ये जो लाइन है इसका क्या नाम है, इसका नाम है नॉर्मल, और ये जो लाइन है इसका क्या नाम है, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम है इसका, रिफ्लेक्टेड रे। बाकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम सेकंड लॉ में पढ़ेंगे, फिलहाल देखिएगा फर्स्ट लॉ क्या है। बड़ा सिंपल सा है, लॉ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, जब भी आप साइंस पढ़ने बैठें, साइंस का वीडियो ऑन करें, उस समय आपके पास में साइंस के नोट्स एक कॉपी साथ में होनी चाहिए। तो नोट्स आप खोल करके रखें ताकि जैसे ही मैं पढ़ाऊँ एक बार आप उसे नोट्स में से भी साइमल्टेनियसली रीड कर लें। ओके, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी सिंपल। ओके, दिस इंसिडेंट रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख देती हूँ मैं आपके सामने। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब समझते हैं ना, प्लेन का मतलब एनी फ्लैट सरफेस। जैसे ये दीवार एक प्लेन है, ये फ्लोर एक दूसरा प्लेन है, ये है प्लेन का मतलब। तो जिस भी प्लेन में इंसिडेंट रे होगी उसी प्लेन में नॉर्मल भी होगा और उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताने जा रही हूँ, वो बड़ा सिंपल है, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस एंगल, कौन सा एंगल है याद है ना आप लोगों को, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इट ओके। इसको अपन सिंबॉलिकली भी लिख लेते हैं,
angle I is always equal to angle R. मतलब समझ गए होगे आप कि अगर ये वाला angle 15 degree है तो ये भी 15 degree होगा, ये वाला angle अगर 60 degree है तो ये भी 60 degree होगा. तो whatever the value of angle of incidence is, the value for this angle of reflection will be same. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो ये है आपके दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको याद रखने. और सेकेंड लॉ का एक स्पेशल केस, एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ बताने जा रही हूँ, आपको देखिएगा सेकेंड लॉ का, है ना. सेकेंड लॉ याद है ना आप लोगों को, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस लॉ का हमें कौन सा एग्जाम्पल देखना है जो हमेशा यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो हम देखने जा रहे हैं. तो उसको समझने के लिए देखिए, जैसे हमने ये बनाया प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में हमने ये बनाई इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे है, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल भी है, पर नॉर्मल की डायरेक्शन में ही इंसिडेंट रे आ रही है. क्या आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है. इंसिडेंट रे तो कैसे भी आ सकती है. ओके, तो हमने बनाई ये इंसिडेंट रे, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया. क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे फॉर इट. क्या ड्रॉ करने के लिए बोला गया आपको? आपको इस इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए बोला गया. ओके, तो ये इंसिडेंट रे है, ये फॉल हो रही है. क्या आप इस इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मेजर करके बता सकते हैं? क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू? सुनिएगा ध्यान से. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड एट दिस पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल. और अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन खुद ही नॉर्मल है. ये इंसिडेंट रे भी है और ये नॉर्मल भी है. और अगर ये दोनों सेम है तो इस कंडीशन में एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का एंगल, जब दोनों सेम लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट की जा रही हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 degree. एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 0 degree. वो भी 0 degree ही रहेगा. और इसको 0 degree रखने के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे आपको बनानी होगी वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बनानी होगी. मतलब ये जैसे आ रही है बिल्कुल उसी तरीके से, इन द सेम पाथ इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. तो क्वेश्चन इसका अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. जैसे आपको रे बना करके बोल सकते हैं ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे फॉर इट, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं दैट व्हाई एनी इंसिडेंट रे विच फॉल्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम रूट. तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे, बिकॉज इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 degree एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 0 degree अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये आपने पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा अब हमको क्या पढ़ना है. अब हमको पढ़ना है एक नया वर्ड, और ये जो नया वर्ड है वो क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो वर्ड हम नया जानने जा रहे हैं ये है इमेज. क्या इमेज का मतलब समझते हैं आप? इमेज का फिजिक्स की डेफिनेशन, इसका मतलब, वो सब तो आप समझते रहेंगे धीरे धीरे. सबसे पहले इसका एग्जाम्पल सुनिए. एग्जाम्पल से हम इमेज वर्ड का मतलब समझते हैं. क्या होता है इमेज? जैसे कैमरे से आपने अपना फोटोग्राफ खींचा और उसे पेपर पर आप लेकर के आ गए कि ये देखो मेरा फोटो है ना, तो वो जो फोटोग्राफ आप अपना लेकर के आए हैं वो है, वो क्या है? आपकी इमेज. आप प्लेन मिरर के सामने जाकर के खड़े हो गए और आपने अपने आप को उसमें देखा, तो प्लेन मिरर के अंदर आपको जो आपकी दिखाई दे रही है वो भी क्या है? इमेज. आपकी गाड़ियों के साइड में मिरर लगा होता है, उसे साइड व्यू मिरर या रेयर व्यू मिरर बोला जाता है. उसमें पीछे आने वाली गाड़ियां आपको दिखाई देती हैं और वो पीछे आने वाली गाड़ियों की क्या होती है? इमेज होती है. इज इट ओके? तो इमेज वर्ड आपको समझ में आ गया. जो फोटोग्राफ आपको मिल रहा है आपका, वो आपकी क्या है? इमेज है. जो प्लेन मिरर के अंदर, जो आपके ड्रेसिंग टेबल में लगा हुआ होता है,
आपको दिखाई दे रही है आपकी, वो भी क्या है, आपकी इमेज है। पर हमें सिर्फ इमेज के एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने हैं, हमें इमेज के टाइप्स भी याद रखने हैं। तो इमेज को फिजिक्स के हिसाब से हमने टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, दो तरीके की इमेजेस होती हैं। जो फर्स्ट टाइप की इमेज है वो है रियल इमेज। कौन सी इमेज पढ़नी है आपको? रियल इमेज पढ़नी है, राइट? और जो सेकंड इमेज आपको पढ़नी है वो है वर्चुअल इमेज। दो इमेजेस हम लोगों को पढ़नी है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्या होती है ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, देखिएगा। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की एक डेफिनेशन मैं बताने तो जा रही हूँ आपको फिलहाल, पर अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इज इट ओके? नेक्स्ट क्लास में हम एक रे डायग्राम बनाएंगे, तब आपको इन दोनों वर्ड्स के मतलब क्लियर होंगे। पर थ्योरेटिकली अभी हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, जितना समझ में आए उतना समझ लीजिएगा, ओके? तो रियल इमेज हम समझने जा रहे हैं, क्या होती है रियल इमेज, देखिएगा। रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन होती है रियल इमेज? रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय द मीटिंग ऑफ टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेस। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, इमेज कोई सी भी हो, चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल, है ना, रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी, कोई से भी टाइप की इमेज, इमेज बनती हमेशा कैसे है? इमेज हमेशा बनती है बाय द मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। किसके मिलने से बनती है इमेज? बाय द मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी तो इमेज मिलेगी, रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलेगी तो इमेज कैसे मिलेगी वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो रियल इमेज कैसे मिल रही है, देखिएगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्चुअल मीटिंग। ये जो मीटिंग हो रही है टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज की, ये कौन सी मीटिंग होनी है? एक्चुअल मीटिंग। एक्चुअल का मतलब रियल मीटिंग। अगर रिफ्लेक्टेड रेज असली में जा करके मिल जाए तो कौन सी इमेज मिलेगी? रियल इमेज। और असली में ना मिले तो क्या इमेज मिलेगी ही नहीं? तो मिलेगी तो सही इमेज, तो कौन सी इमेज मिलेगी? वर्चुअल इमेज। मतलब हम लिख लेते हैं दैट वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय द वर्चुअल मीटिंग। आप चाहें तो वर्चुअल मीटिंग लिखें, आप चाहें तो इमेजिनरी मीटिंग लिखें, जो लिखना चाहें वो लिखें। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द वर्चुअल मीटिंग ऑफ टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज। टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज। क्या आपको बात समझ में आ गई? मतलब कैसे मिल रही है इमेज, किसके मिलने से बन रही है? रिफ्लेक्टेड रेज के मिलने से। अगर रिफ्लेक्टेड रेज असली में मिल जाए तो रियल इमेज, असली में ना मिले, नकली में मिले तो वर्चुअल इमेज। मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है ये आपको अभी 100% क्लियर तो नहीं हुआ है, ये क्लियर होगा, उसके लिए हम रे डायग्राम बनाएंगे, तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली है, समझने का काम हम कुछ देर के बाद में करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस क्या है, देखिएगा। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आप इस रियल इमेज को कहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हो? स्क्रीन पर। अब स्क्रीन का क्या मतलब है? जैसे आपने कैमरे से फोटोग्राफ खींचा और पेपर पर ऑब्टेन कर लिया, तो पेपर क्या हो गया? स्क्रीन हो गया। बात समझ में आई? तो रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। मतलब जो कैमरा इमेज आपको मिल रही है वो कैसी इमेज होती है? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज, ओके? और वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इस इमेज को हम ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो क्या भाई? देखो एग्जाम्पल बताती हूँ पहले मैं, फिर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल इज द इमेज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन
मिरर, देखना ध्यान से, प्लेन मिरर इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है ना। आप ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़े हुए, इज इट ओके, 10 मिनट खड़े हुए, 15 मिनट खड़े हुए, बहुत सुंदर लग रहे हो, आधे घंटे तक खड़े हो गए, इज इट ओके, पर क्या किसी भी कंडीशन में आप उस इमेज को पेपर पर ऑब्टेन कर सकते हो कि लो भाई आज तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, पेपर पर ऑब्टेन कर लेते हैं इस इमेज को, इज इट पॉसिबल, नो, इज इट ओके। तो वर्चुअल इमेज जो होती हैं दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, आप उनको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। तो ये सेकेंड पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया है। फर्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग रे डायग्राम देखेंगे और उस रे डायग्राम को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये इमेज की डेफिनेशन, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के डिफरेंसेस ध्यान से देखिए आप लोग, इनको आप पढ़ करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको इमेज फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, तो बाय एवरीवन।